दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का प्रकोप। सर्दी से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप देखते हैं कोल्ड अटैक टॉप नाइन। उत्तर भारत में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में पारा करीब 7 डिग्री तक गिरने की आशंका जताई है और दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका जताई है, जिससे पारा और लुढ़केगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में हुई भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम गई, जिसे हटाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया। बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच गंभीर हालत में एक गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और उसे हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बहुत फिसलन वाला हो गया था। नेशनल हाईवे 701 से संपर्क पूरी तरह कट गया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी और भीषण ठंड के बावजूद सैलानियों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। कुफरी में सड़क पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। बर्फबारी के लिए सैलानी परेशानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पारा -11 डिग्री से पार पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। बर्फ की ढकी सीमा पर हड्डियां गला देने वाली ठंड में सैनिक सीमा की रखवाली के लिए सजग हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारी ठंड और बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवान शोपियां जिले में योग करते दिखे। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद भी जवान अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना मॉर्निंग ड्रिल और वर्कआउट सेशन करते हैं। ईरान में भारी बर्फबारी के बाद भीषण ठंड पड़ रही है। भारी बर्फबारी की वजह से देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं तेहरान में कुछ परिवार बर्फ में खेलने का आनंद लेते भी नजर आए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के पास हुई भारी बर्फबारी मुसीबत बनकर टूटी। बर्फबारी में फिसलन की वजह से करीब 50 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।